विदारक घटना और देखते ही देखते जो मंजर है अभी भी गवाही दे रहा है कि कल रात क्या हुआ। ये आशीर्वाद टावर को कैसा आशीर्वाद मिला, 14 जिंदगियां कल धरती छोड़ गई। अभी हम लोगों से बात ही कर रहे हैं, इसी दौरान एक महिला भी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कल क्या क्या हो रहा था, मंजर कैसा था। मैम आग कहाँ लगी थी? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मेरे भाई के फ्लैट में आग लगी थी। मैं बाहर की गेस्ट हूँ। बाहर की गेस्ट है। अच्छा, तो मैंने कुछ आंखों से नहीं देखा है, जो सुना वही बता रही जी। बिल्कुल, तो ये भाई के फ्लैट में आपकी आग लगी थी? हाँ। ये पंकज अग्रवाल जी। तो उसके बाद आप यहाँ पे शाम को आई थी? कल रात में आई थी मैं। रात में आई थी आप, उस समय क्या चल रहा था कुछ बताएंगे? कुछ वैसा तो नहीं था उस टाइम पे, बस खाली सुनने में जो आ रहा था कि कितने लोग चले गए हैं। हाँ हाँ। ये सुनने में मिल रहा था हम लोगों को, पर क्या कितने गए हम लोगों को कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी हम लोगों के पास में। हम लोग रात भर यहाँ थे, आ रहे थे जा रहे थे, मगर हम लोग को मेरे भाई के फ्लैट में जाने नहीं दिया गया। अच्छा। और मेरा भाई का फ्लैट सुना हम लोगों ने कि पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा जल के राख हो चुका है। बच्चे, मेरी भाभी बहुत मुश्किल से निकल के आई है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। आप सुन रहे हैं, भावनाएं हैं, जिस पर बीतती है वही समझता है कि कष्ट और दुख क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है, दोषी कौन, जो लगातार धनबाद की जनता पूछ रही है, कैसे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाते हैं, और अगर बन जाते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए देकर जो लोग फ्लैट खरीदते हैं उनके जान को कौन बचाएगा, उनके जान की जिम्मेवारी किसकी है। मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लिया जाता है, मॉक ड्रिल्स भी कहा जाता है कि करवाएंगे, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल्स हुआ था लेकिन अंतिम चरण में वो फेल कैसे हो गया? पानी नहीं था उसमें, कुछ नहीं था, पानी भी नहीं, वो लोग पानी डालने का कोशिश कर रहे, फायर ब्रिगेड का निकालने का कोशिश किया, ना वो काम किया। फायर ब्रिगेड वाला गैस जो सिलेंडर रहता है वो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं। और ये बिल्डिंग में जो फायर फाइटिंग का लगा हुआ है पाइप, कोई पानी नहीं था उसमें, कोई पानी नहीं था। पानी नहीं रहने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। पानी रहता तो ये वाला बिल्डिंग में मरवाड़ी समाज ने और एक सदारी समाज ने जान पे नहीं, ये एक मरवाड़ी समाज ने और सरदारी समाज ने काफी मदद किया जान पे खेल करके। चलिए ठीक है, दो चीज हम बोलना चाहिए और कुछ बोलने। मैं कल देखा है एक चीज, दो तल्ले में जो आग लगी हुई थी उसके ऊपर वाले तल्ले में वो परिवार इतना भयभीत हो चुका था कि उसमें से बच्चे निकल के कोशिश कर रहे थे कि नीचे कूद जाएं या ऊपर चढ़ जाएं। तो हम लोग प्रेशर थे, मैं उसको मार मार के 3-4 बार अंदर किया, नहीं तो वो भी 2-3 बच्चे नीचे कूदने के लिए तैयार थे। दूसरी चीज़ मैं देखा कि ये जो सीढ़ियों में आप देखे कि फर्नीचर से जो पूरा इंकॉन्चमेंट, ये अपील मैं करना चाहूँगा फ्लैट धारियों से कि आप कृपया जो रास्ता है उसको कहीं पर भी फर्नीचर से इंकोच ना करें। रास्ता एकदम सुलभ होना चाहिए, कोई भी घटना घटे कि आदमी भाग सके। और एक चीज़, जो फॉल सीलिंग थी जब आग हम पानी मार रहे थे तो हम देख रहे थे कि वो जो लट्ठा बन बन के जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग का इतना ज़्यादा काम था कि वो लट्ठा पकड़ पकड़ के गिरता था ज़मीन में, फिर वो आग पकड़ लेता था, क्योंकि वो तो लकड़ी का बुरादा के साथ केमिकल डाल के उसको चिपकाया रहता है, जिसके कारण आग जल्दी काबू नहीं कर पाए और पूरा वो अपने आगोश में ले लेता है। तो मेरा भी निवेदन है कि भाई अपने घरों को पहले आप अपनी जान को सुरक्षित करें। आप फैशन की दौर में अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारें, आप अपने घर को ऐसा रखें कि अगर कोई हल्का सा घटना अगर घटती भी है तो आप उसको रोकथाम कर सकते हैं। घट गई तब ये इतनी बातें हो रही है, तब इतनी बातें हो रही है, सब अपने घर को इंटीरियर करते हैं, सब करते हैं इंटीरियर, आज ये घटना घट गई ना तब ये बातें हो रही है। हम लोग को भी, आप हम लोग की भावना को समझिए, एक आदमी का कितना बड़ा कुछ बनाता है। नहीं ये ठीक है, आज
कोई भी अपना घर को सुबह अच्छे घर का हुआ है, हम लोग हैं। लड़का का घर खत्म हो गया, वो लड़का रोड पे आ चुका है। एक आदमी देखिए, मेरे बच्चे, मेरा छोटा भाई है, मेरे पे क्या बीत रहा, वो हम लोग जाते हैं। रह रह कर गुबार उठ रहा है, भावनाएं उमड़ रही हैं, दर्द आपे से बाहर हुआ जा रहा है, लेकिन सवाल बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में फायर अलार्म्स की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं, क्या नियम है उसके, मैं तो नहीं जानती, नगर निगम और प्रशासन जरूर जानता है। ऐसे बिल्डिंग्स में आग लगी और उसके बाद अगर बीचों बीच यही इलाका है, मैं बताना चाहूँगी, धनबाद के पौस इलाकों में से एक इलाका है ये, और ये जो बिल्डिंग है ये भी गरीबों की बस्ती नहीं थी। इसमें रहने वाले लोग जो थे वो अच्छे घरों से आते थे, और जब ऐसे लोगों को प्रशासन दरकिनार करता है, उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता है, तो आप सोच सकते हैं कि धनबाद के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कितने सेफ हैं। वहाँ तो आग लगेगी तो शायद एम्बुलेंस को पहुँचने में अगला दिन हो जाए। यहाँ पर फायर अलार्म की तो कोई व्यवस्था मुझे अभी तक पता नहीं चली है, या उसके प्रोविजंस क्या हैं ये मैं भी नहीं जानती। नहीं है फायर अलार्म नहीं है। अगर वो सब होता है तो पता चल जाता आसपास के बिल्डिंग्स को, हो सकता है सहायता और जल्दी पहुंच जाती। दूसरी बात, सतपाल जी ने भी कहा कि यहाँ पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास, जो अग्निशमन विभाग है, उनके पास अनाउंसमेंट की कोई सुविधा नहीं थी। हालांकि एक तरीके से ट्रैफिक को रोक दिया गया था ताकि अग्निशमन की गाड़ियों को आने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वैसे में लोग आसपास के जमा हो जाते हैं, जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, वो जमा हो जाते हैं। और वैसे में अगर अनाउंसमेंट की सुविधा ना हो तो भीड़ को उस समय संचालित कर पाना मुश्किल होता है, और साथ ही साथ सुविधा जो लोगों की है उसका भी ख्याल रखा जा सकता है, किसको किस तरफ। किसको किस तरफ भेजना है ये भी जो है वो अग्निशमन विभाग के लिए आसान हो जाता है। हालांकि पूरे मामले में जगह जगह प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, और मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।